हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। वेल, अक्सर हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं उसे बाहर जाने के लिए कहो, उसे मेरा लैपटॉप लाने के लिए कहो, उसे सब बताने के लिए कहो, उसे पहले मुझे छोड़ने के लिए कहो, या कोई भी सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज भी हो सकता है, मुझे वहाँ जाने के लिए मत कहो। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो किसी से कुछ कहना, मतलब कुछ करने के लिए कहना, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं आस्क हिम टू, आस्क हिम टू। अब यहाँ पर देखिए, हिम के जगह मी लगा सकते हैं, अस लगा सकते हैं, हर लगा सकते हैं, हिम लगा सकते हैं, देम लगा सकते हैं, कोई नाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि राम से कहो यहाँ आने के लिए, तो आस्क राम। इस तरीके से नाउन भी लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले जो है आस्क हिम, ये सारे जो ऑब्जेक्टिव केस आएंगे या नहीं तो नाउन आएंगे, उसके बाद लगाएंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो आप काम करने के लिए कर रहे हैं, और लास्ट में अदर वर्ड्स। इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, उसे बाहर जाने के लिए कहो। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आस्क हिम टू गो आउट, आस्क हिम टू गो आउट। अगर लड़की रहेगी तो आस्क हर टू गो आउट। अगर बोलेंगे उसे यहाँ से दफा होने के लिए कहो, तो गुस्से से बोलेंगे आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ हेयर, आस्क हिम टू गेट आउट ऑफ हेयर। लड़की रहेगी तो हर कर दीजिएगा। मान के चलिए आप शादीशुदा हैं, तो आपने बच्चे से कहते हैं मम्मी को कहो लैपटॉप लाने के लिए। तो इस संडेस के लिए बोलेंगे आस्क मदर टू ब्रिंग माई लैपटॉप, आस्क मदर टू ब्रिंग माई लैपटॉप, या गेट माई लैपटॉप भी बोल सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं ब्रिंग के जगह। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे सब बताने के लिए कहो, आस्क हिम टू टेल एवरीथिंग, आस्क हिम टू टेल एवरीथिंग। लड़की रहेगी तो आस्क हर टू टेल एवरीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, अक्सर आपने मूवी में इस सेंटेंस को सुना होगा, पुलिस वाले बोलते हैं पहले उन लोगों को कहो लड़की को छोड़े, या पहले उन लोगों को लड़की को छोड़ने के लिए कहो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आस्क देम टू लीव द गर्ल फर्स्ट, आस्क देम टू लीव द गर्ल फर्स्ट, या फर्स्ट आस्क देम टू लीव द गर्ल, ऐसे भी सेंटेंस बोल सकते हैं। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं सिर्फ 100 रुपये की ही तो बात है, सिर्फ कल की ही तो बात है हम लोग आ जाएंगे, सिर्फ 2 मंथ की ही तो बात है उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? ऐसे सेंटेंसेस आप पास्ट में ही बोल सकते हैं, जैसे कि केवल 10 लोगों की ही तो बात थी, केवल मेरी ही तो बात थी। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे इट इज, इट इज को आप शॉर्ट में इट्स पढ़ सकते हैं। तो इट्स को राइट करने के बाद जस्ट और मैटर ऑफ, जस्ट और मैटर ऑफ को राइट करेंगे, और लास्ट में अदर वर्ड्स राइट कर देंगे, जो भी टाइम वाला वर्ड रहेगा या कोई भी अदर वर्ड्स रहे। तो इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। केवल 100 रुपये की ही तो बात है, तो तुम दोनों एक दूसरे से बहस क्यों कर रहे हो? तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, या रुपीज 100। वाई आर यू फाइटिंग ईच अदर? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 100 रुपीज, वाई आर यू फाइटिंग ईच अदर? यहाँ पर बहस करने की बात हो रही, तो आर्ग्यूइंग लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। अगर लड़ाई करेगा तो फाइटिंग भी लगा सकते हैं, क्वारलिंग भी लगा सकते हैं, झगड़ने के सेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल एक ही दिन की तो बात है, हम लोग आ जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ 1 डे, विल बी बैक। इट्स अ मैटर ऑफ 1 डे, विल बी बैक, और डे भी कर सकते हैं, और वी विल बी बैक के जगह आप वी विल रिटर्न भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल 2 महीने की तो बात है, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स। अब इसके पास्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। पास्ट में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इट वॉज कर देंगे, बाकी सेम टू सेम। अब इसके भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है केवल पैसे की ही तो बात थी, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ मनी, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, केवल ज़मीन की ही तो बात थी,
इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंड, इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ लैंड। गाइज इसे जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों मेरे कैसे लगे थे, अच्छे लगे थे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।